नमस्कार दोस्तों, एडिसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी रागों की श्रृंखला चलती आ रही है कुछ एक समय से। और दोस्तों, आज हमारे राग देश का तीसरा अंक और आखिरी अंक रहेगा। और दोस्तों, इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक जाना माना नाम है। इन्होंने अपनी संगीत की तालीम हासिल की पंडित शंकर नाथ पाटिल जी और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी से। और ये काफ़ी परफॉर्मेंसेस भी कर चुकी हैं इंडिया और अब्रॉड में। और दोस्तों, इसी कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं तानपुरा पर मिस शिवांगी। ये एक संगीत की ही छात्रा हैं और नेशनल लेवल स्कॉलरशिप पा चुकी हैं संगीत की तालीम के लिए। और हमारे साथ अब मौजूद है मिस गगनजीत कौर, जो कि एक फेमिलियर फेस भी हैं, आप लोगों आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं इन्हीं सबका स्वागत करना चाहूँगी। और एक कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे साथ मिस गगनजीत कौर हैं, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत में निपुण है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इन सबका सभी से फिर से स्वागत करूँगी और मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का लेक्चर शुरू करें। नमस्कार। देश का ये तीसरा जो है देश राग के ऊपर आधारित तीसरी श्रृंखला है, और इसमें हम आज जो हम आपको बताना जाएंगे उसमें मुख्य तौर पे हम देखेंगे कि राग देश जो है वो और रागों से कैसे भिन्न है। जो संप्रकृतिक राग आपको बताए गए थे, राग सोरठ की बात थी और राग तिलक कामुत की बात थी, तो ये कुछ ऐसे राग हैं जो संप्रकृतिक राग यानी समान प्रकृति वाले यानी आसपास के राग। तो किस प्रकार से ये अलग हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे स्वर हैं जिससे कि वो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये क्या ये राग देश है, या क्या ये राग सोरठ है, या क्या तिलक कामुत है, या क्या ये राग देश है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए जो है हमने अपनी इस श्रृंखला में हम कोशिश करते हैं कि उसको आपको सामने उस चीज़ को बता सकें। तो राग देश की हम फिर से बात करते हैं, क्योंकि हमारी श्रृंखला मुख्य तौर पे राग देश पर है। देश की हम बात करते हैं और साथ साथ फिर हम जाएंगे राग सोरठ की तरफ। राग देश, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि राग देश जो है वो खमाज ठाट का है यानी खमाज परिवार से उत्पन्न है। तो राग देश को जब हम गाते हैं, रात्रिकालीन राग है, रात्रि का द्वितीय प्रहर इसका गायन समय है, इसको जब हम गाते हैं तो इसके आरोह अवरोह किस प्रकार से रहते हैं। सा तो पता चलता है कि राग में कौन कौन से स्वर जो हैं वो लगते हैं, किस प्रकार प्रयोग होते हैं, आरोहात्मक स्वरूप कैसा है, अवरोहात्मक स्वरूप कैसा है, कौन से स्वर इसमें वर्ज हैं, कौन से स्वर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसकी जानकारी हमें आरोहों से मिलती है। लेकिन राग, जैसे कि आपको बताया कि राग जो है वो उसके चलन से राग सामने आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही आरोह अवरोह जो हैं वो किसी दूसरे राग में भी होते हैं, लेकिन जब हम राग को, राग के चलन को देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। तो राग देश की जहाँ तक हमने बात की, इसके आलापचारी भी आपको बताई, पलटे भी बताई, इसके थोड़े से चलन को देखते हैं और फिर हम जाते हैं राग सोरठ की तरफ।
ध्यान दीजिए मैं गांधार का प्रयोग कैसे करूं। ग नि स र म प म प ध म ग र र ग नि स प नि स र म ग र स र म गांधार जो है वो बड़ा ही अलग सा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिखता है अवरोहात्मक रूप में, यानी अवरोह में गांधार का प्रयोग अवश्य होता है देश राग में। अब जैसे मैंने आपको देश के बारे में इससे पहले अपने दोनों लेक्चर्स में बताया तो उसमें आपको राग देश काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं जाती हूँ राग सोरठ की तरफ। सोरठ जो है वो वास्तव में एक रागांग राग माना गया है। सोरठ जो है रागांग राग कहा गया है और ये माना जाता है कि राग देश जो है इसी सोरठ रागांग से जो है राग देश आया और देश अंग से जो है वो जय जयवंती गाई जाती है। तो ये कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या संबंध है? देखिए जब हम राग सोरठ की बात करते हैं तो आप देखिए सोरठ के आरोह अवरोह किस प्रकार से हैं। सा रे मा प नी सा, तो बिल्कुल देश की तरह जा रहा है। सा रे मा प नी सा, सा नी दा प धा रे रे नी सा रे मा प धा रे। तो आप देखिए गांधार तो बिल्कुल ही गायब है। सा रे मा प नी दा प म प धा रे। तो मध्यम से ऋषभ पर जब आते हैं तो एक मींड के तौर पर आते हैं, यानी गांधार जो है वो आरोह में तो वर्ज है ही, अवरोह में भी पूरी तरह से वर्ज है, यानी गांधार का एकदम प्रयोग नहीं होता लेकिन धैवत का प्रयोग अवरोह में है। जो राग सोरठ की बात करते हैं तो डिफरेंस आपको एकदम समझ में आ जाएगा। सा रे रे मा मा प रे मा प नी दा प, ऐसा लग रहा है राग देश गा रहे हैं। तो कौन सी सिमिलैरिटी सामने दिख रही है, किस प्रकार से दोनों खमाज ठाट से उत्पन्न है? सा रे मा प नी दा प मा प नी नी सा, बिल्कुल देश की तरह जा रहा है। सा नी दा प मा प धा म रे, म और ऋषभ यानी मध्यम ऋषभ पर जिस प्रकार से मीन के द्वारा अवरोहात्मक रूप से आया जाता है ये सोरठ की खास चीज़ है जो उसको देश राग से बिल्कुल पृथक करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
चाहे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से स्वर समुदाय हैं जो दोनों रागों में सेम हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल अलग आता है कि देखिए आरोह में हमारा गांधार जो है वो उसमें भी नहीं लिया जाता, देश में भी और आपके सोरठ में भी नहीं लिया जाता, और आरोह में धैवत भी नहीं लिया जाता और दोनों में सोरठ और देश में, लेकिन अवरोह में जब हम गाते हैं तो देश में गांधार बिल्कुल ख़ास तौर पे लिया जाता है। सारे निदा पर धामा गरे गाही सारे, क्या खूबसूरती जो है देश की इससे झलकती है। सारे मागरे निदा पर मा प धामा गरे रे मा प नीदा प धामा गरे गनी सा पनी सारे निदा। अब ये बिल्कुल राग देश को राग सोरठ से एकदम अलग करता है। मा प नीदा प धामा रे, देखिए हो गया एकदम राग सोरठ। तो ये खास चीज़ जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए, हमेशा राग को समझ कर करना चाहिए यार, कि हम राग को हम रट लें कि ये इसका ये समानताएं हैं या इसका ये अंतर। जब हम राग को गाएंगे या राग को बजाएंगे तो वो अंतर हमें प्रैक्टिकली दिखाई देगा और हम उसको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे कहीं पर मस्तिष्क में वो बिल्कुल बैठ जाता है और उसको हम भूल नहीं पाते हैं कि ये जो है इसका मुख्य अंतर है। और थ्योरेटिकली हम जितना भी बोलें लेकिन जब तक उसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे तब तक हमको वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसको प्रैक्टिकली आप गा कर देखिए, तब तक हम आपको राग देश की एक बहुचर्चित जो है एक बंदिश जो है वो गाते हैं और आप उसको भी सीखिए। बोल हैं चल कोकिला मधुमास आयो अम्बुआ की डारी पर बौर छायो, कल कूक से वसुधा गुंजा दे सुर माधुरी जग को पिला दे। देखिए जिस प्रकार से इस राग की प्रकृति है, जिस प्रकार से चंचल है, मधुर है, बहुत खूबसूरत राग है, तो इस प्रकार का साहित्य इस राग में बहुत ही खिलता है। आइए इस बंदिश को भी सीखते हैं। चल को किला मधुमास आयो, चल को किला मधुमास आयो, चल को किला मधुमास आयो, शंभुआ की डारी पर बौर छायो, शंभुआ की डारी पर बौर छायो, चल को किला मधुमास आयो, चल को किला मधुमास आयो, अम्बुआ की डारी पर बौर छायो, अम्बुआ की डारी पर बौर छायो, चल को कल कूक से वसुधा गुंजा दे, कल कूक से वसुधा गुंजा दे सुर माधुरी जग को पिला दे, सुर माधुरी जग को दे, चल को किला मधुमास आयो, चल को किला मधुमास आयो, चल को किला मधुमास।
आप आलाप करिए और बंदिश के बोलों को लेके बोला आलाप बनाइए। मधुमास आए, मधुमास आयो, मधुमास आयो, कोकिला मधुमास आयो, चले चले कोकिला मधुमास आयो, चले कोकिला मधुमास आयो, चले कोकिला, चले खूबसूरत सी बंदिश राग देश की। तो आपने देखा इसको गाते गाते मैंने इसी बंदिश के कुछ बोल लिए और उनको उसी प्रकार से आलाप किया जो मैंने आलापचारी आपको पहले बताई थी। अब ये ध्यान दिया जाए कि वही शब्दों का वही अक्षरों का प्रयोग हम अपने आकार फॉर्म में या अपने आलापचारी में हम ज़्यादा करेंगे, जिसमें कि हमारे मुंह को कोई स्ट्रेन ना हो, हमारा मुख मुद्रा ना बिगड़े, हम आ ए ई इस प्रकार के जो वॉवल साउंड क्रिएट करने वाले जो अक्षर हैं उनको बड़ी मात्रा वाले जिसे हम कहेंगे उसको हमें जैसे चले को किला आकार जो है उसका बढ़त के लिए बहुत आसान है। हम इसकी जगह चल बोल तो रही हूँ गा तो रही हूँ लेकिन वो फील नहीं आ रहा या ऐसा मैं कुछ चीज़ ब्लॉक कर रही है अंदर। चल को किला मधुमास आयो, तो जिस प्रकार से ओ आ ई इस प्रकार से हम जो वॉवल साउंड क्रिएट करने वाले जो अक्षर हैं उनको जब हम लेंगे तो हमारा आलापचारी हम अधिक सुगमता से उसको कर पाएंगे, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी बंदिश राग देश की। और ये ध्यान रहे कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि राग देश जो है वो कहीं ना कहीं फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत से जुड़ा हुआ है। और देखिए इस प्रकार से लोक संगीत से जो राग बन के आते हैं जो बने हैं राग वो कहीं पर हमारी क्योंकि हमारे बिल्कुल मन की जो भावनाएं हैं बिल्कुल इनर फीलिंग्स जो हैं उसी के अनुरूप जो है हमारे लोक संगीत हमारा बना और उसी को लेकर जब इस प्रकार के राग बने हैं तो बिल्कुल हमारे हृदय को छूते हैं वो। तो राग देश के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और इसी लोकगीत पर आधारित जो है फिल्म का एक गीत भी बना है। देखिए जब लोकगीत गाऊंगी तो आपको उसमें राग की झलक भी दिखेगी और उसके बाद इसी लोकगीत पर आधारित हिंदी फिल्म में गीत भी लिया गया है। तो आप देखिए वही राग के सुर उस गीत में भी आते हैं और फिर पुनः हम उस राग पर जाएंगे तो देखिए बिल्कुल अब वो एक सर्कल की तरह है क्योंकि पिरोए तो वो उसी सुर में गए हैं तो डिफरेंस तो कहीं नज़र ही नहीं आता। हाँ ये अलग बात है कि जैसे मैंने बोला कि फूलों को लेके जब गुलदस्ता बनाने की बात कही जाती है तो यदि फूल सेम तरह के फूल हैं तो गुलदस्ता बनाएंगे तो सब अपने अपने तरीके से बनाएंगे तो उसकी खूबसूरती अलग ही होगी। तो देखते हैं अब इस प्रकार ये जो फोक म्यूज़िक है या लोकगीत है उत्तर प्रदेश का वो किस प्रकार का देखें।
अब इसलिए क्योंकि लोकगीत मैं इसको मध्यम को सा मान कर गा रही हूँ, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा पिच जो है वो बहुत लो हो गया, या हमारा हमें इस गीत को गाते समय यदि ये गीत ज़्यादा खिल कर सामने आए तो वो तभी हो पाएगा जब हम सा मा मा सा इस मध्यम को हम सा मान के गाएं। जैसे मैं प्रैक्टिकली आप इसको बताती हूँ, ये लोकगीत है, अभी हमने तानपुरे पे पंचम मिलाया है और शिवांगी जब तानपुरा छेड़ेगी तो उसमें के साथ हम इसको इस लोकगीत को गाते हैं। देखिए गाना ऐसा लगता है बिल्कुल मंद्र की तरफ जा रहा है, फिर हम मध्यम को सा मान के गाएंगे, देखिए ये गीत एकदम से खिलकर सामने आता है। नी बोला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार। नी बोला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार। अब देखिए इसको हमने मध्यम को सामान के गाते हैं, एक तार आप नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ तीन तार छेड़िए। सामा नींबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, नींबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन फुहार रे। नींबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार रे। मैं तो बाबुल घर गुड़िया खिलने न पाई के, आई रे सावन की फुहार रे। नींबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार रे। तो ये एक जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, मध्यम को सामान के गाया गया। फुहार रे रे गा नी सा नी सा रे मा गा रे रे मा पा मा पा मा पा द मा गा रे। तो कहीं पर जो है राग के सुर जो है इसमें ऐसा लगता है कि यहीं से बनकर आए हैं। तो देखिए इसी गाने को आधार मान के शायद, या इसी पर आधारित एक बंदनी फिल्म में एक गीत जो एस डी बर्मन साहब ने उसको स्वरबद्ध किया था, बहुत खूबसूरत गीत है। उसमें देखिए इसी राग के आपको स्वर दिखाई देते हैं। अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन दी जो बुलायो रे, अब परस भेज भैया को बाबुल सावन दी जो बुलायो रे। आप ये देखिए कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज होता है क्योंकि फिल्म म्यूज़िक है, उसमें भी चेंज होगा, या जब राग बनता है तो राग में तो उसकी शुद्धता को बरकरार रखा जाता है, लेकिन जब हम फिल्म का गाना गाते हैं या कोई और गीत होता है
वो थोड़ा बहुत स्वर इधर उधर लगते हैं जो कि उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो हम वहाँ पर हमारा मेन मकसद होता है खूबसूरती को बढ़ाना, लेकिन राग की बात है उसमें उसकी खूबसूरती तो बरकरार रखनी है लेकिन अनुशासित रूप में, यानी वो उस डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल राग देश के आपको दिए। तो इसको इस तरह के गीतों को गाते रहना चाहिए, मैं समझती हूँ कि उस हर तरह के संगीत को गाना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपको खुद ये समझ आ सके कि क्या फ़र्क है। आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तो सीख ही रहे, लेकिन साथ साथ यदि और भी चीज़ें देखेंगे, फोक देखेंगे, भजनों को देखेंगे, गज़लों को देखेंगे, तो गले की भी तैयारी होती है, गले के जो टिश्यूज़ हैं उनको एक्सरसाइज होती है, तो उसकी भी तैयारी होती है, तो करते रहना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम राग तिलक का मोद पर। राग तिलक का मोद जो है वो भी खमाज ठाट से उत्पन्न राग है, जिसमें कि वादी षड्ज है और संवादी पंचम है। कुछ लोग शायद वादी ऋषभ भी कहते हैं, लेकिन वो ऋषभ का वादी होना मुझे कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि जब प्रैक्टिकली उसको गाया जाए तो वो ऋषभ का जब प्रयोग ही नहीं है तो उसको वादी कहना जो है वो ठीक नहीं, कि अवरोह में ऋषभ जो है बिल्कुल ही ना के बराबर प्रयोग है ही नहीं, और इसमें गांधार और धैवज जो है वे आरोह में और जो है वर्ज हैं। और किस प्रकार से देखिए, गांधार और षड्ज की संगति, ऋषभ और पंचम की संगति, षड्ज और पंचम की संगति, तार सप्तक के सा और प की संगति जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस राग में। तो तिलक का मोद जो है इसके यदि आरोह अवरोह हम लेते हैं या इसके चलन को हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। पनी सारे पामा ग सारे ग सानी पपनी सारे ग सानी पपनी सारे पामा ग सारे ग सानी पपनी सारे मा पद मा प सा सारे ग सानी सारे पामा ग ऋषभ और पंचम की संगति मा पसा। तो पंचम और तार सप्तक की संगति सा मा पसा, तो ऐसे भी जाता है मा पनी सा भी जाएगा मा पसा पद मा ग सारे पनी सारे पामा ग सारे ग सानी रे पामा ग सारे ग सानी पनी सारे। तो जब आप गाते हैं तो प्रैक्टिकली नजर आता है कि क्या फर्क है। सारे मा प ध म ग रे ग सारे देश था पनी सारे पामा ग सारे ग सानी पनी सारे मा प द मा ग सारे ग सानी रे मा प द मा प सा प द मा ग सारे ग सानी पनी सारे पामा ग पनी सारे पामा ग सारे ग सानी पनी सारे। तो जो चलन है वो राग को पृथक पृथक करके रखता है, राग को अलग दर्शाता है। अब बंदिश भी यदि इसकी देखी जाए तो तिलक कामों की बंदिश बिल्कुल उसके स्वरूप को दर्शा रही है। काना सुंदर मुख मनोहर का
ना सुंदर मुख मनोहर करत दर्शन सकल मुनि गण का। तो राग का जो जो स्वरों की संरचना है वो बंदिश, क्योंकि बंदिश जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वर पद ताल का समन्वय है, तो उस बंदिश में भी वो चीज़ एकदम सामने आती है। तो ये था राग तिलक का मोद और राग देश का, आपस का जो एक डिफरेंस है वो दोनों खमाज थाट से उत्पन्न हैं। तो सेम थाट से भी उत्पन्न होते हुए भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि इनका चलन है, इनका स्वरूप है, जो इनको अलग करता है। और जहाँ तक बात आती है कि तिलक का मोद भी एक इस प्रकार का राग है जिसमें कि ठुमरी या भजन या उपशास्त्रीय संगीत की जो बंदिशें हैं वो अधिक सुनने को मिलती हैं। देश में भी यही बात है कि देश में विलंबित ख्याल भी गाए जाते हैं, बहुत अधिक प्रचार में आजकल नहीं सुनने को मिलता, लेकिन ये एक ऐसा राग है जो कि सभी को अच्छा लगता है। तो राग देश की जहाँ तक बात करें, हम लोग साधारण जिंदगी में यदि देखें तो बहुत से उदाहरण राग देश में मिल जाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि वंदे मातरम, वंदे मातरम एक हमारा जो इतना पवित्र हमारा जो राष्ट्र गीत जो है उसको, उसमें पूरे हमको राग देश के स्वर मिलते हैं। तो ऐसे बहुत से मैं अभी कुछ दिनों पहले सुन रही थी अनूप जलोटा जी का एक भजन था, आप सभी लोग उसको सुनते होंगे। तो अब जब आप उसको सुनेंगे तो आप राग देश को सुनकर सुनेंगे तो आपको देखिए बहुत अच्छा लगेगा कि आप उस राग को जानते हैं जिस राग पर ये भजन है। मुझे जहाँ तक एक पंक्ति उसकी याद है, देखिए उसको भी गाकर देखते हैं। जीनी रे जीनी, अरे राम नाम रस पीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, अरे राम नाम रस पीनी चदरिया। जीनी रे जीनी। तो देखिए ये कितना सुंदर भजन है। भजन की जहाँ तक बात करते हैं तो हम एक आरती अक्सर हम सभी घरों में गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो ये पूरा राग देश है। तो राग देश के उदाहरण तो बहुत सारे हैं और इन सभी उदाहरणों में आपको आश्चर्य ये हो रहा होगा कि लगभग ये सारे उदाहरण आप जानते हैं, सिर्फ आपको अब तक आपने उन पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि शायद आप राग देश को ठीक तरह से नहीं जानते। लेकिन आप इसके बाद राग देश का रियाज करिए और इन उदाहरणों को देखेंगे, इनको गाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा राग देश गाते हुए। आज के इस लेक्चर में मैं राग देश के साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम अपना पब्लिक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं या हम कभी अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या कभी हमें ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर हमें कहा जाए कि कुछ समय तक आप अपने राग देश को परफॉर्म करिए या किसी भी राग को परफॉर्म करिए, अभी क्योंकि हम राग देश की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, क्या विधि होनी चाहिए उसको परफॉर्म करने की। सबसे पहले तरीका होना चाहिए कि आप पहले स्वर भरें, यानी आप सा को लगाएं। तानपुरा छिड़ता है, तानपुरे पे जैसे कि अब राग देश की बात आती तो पंचम और षड्ज पर जो हैं ये तारें मिली होती हैं तानपुरे की, तो उसको आप तानपुरा छेड़ के कुछ समय तक आप सा पर अपना टिकाव रखिए और उसके बाद कोशिश करिए थोड़ा मंद्र सप्तक की तरफ आने के लिए। यानी जैसे हम राग देश को गा रहे हैं तो सा
अब आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप राग देश गाने जा रहे हैं, यानी जो सुनने वाला है उसको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई आप राग देश गाने वाले हैं। तो एक छोटा सा ट्रेलर जिसे कहा जाए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो राग देश का दिया जाए। इसके बाद जो आप बंदिश गाएंगे, यानी जो आपकी कॉम्पोजिशन है आप उसको गाएंगे। तो कॉम्पोजिशन में यदि आपका परफॉर्मेंस का समय 10 मिनट से ज़्यादा है, आधा घंटा है, एक घंटा है, तो ऑब्वियसली आप पहले विलंबित रचना गाएंगे। विलंबित मतलब बड़ा ख्याल। तो बड़ा ख्याल गाने के लिए, क्योंकि वो स्लो टेम्पो का होता है तो उसमें समय भी अधिक लगता है, तो आप बड़े ख्याल को पहले गाएंगे, फिर उसके बाद छोटे ख्याल को गाएंगे। अब आप यदि बड़े ख्याल को गाते हैं तो आप कैसे गाएंगे कि बड़े ख्याल की जो कॉम्पोजिशन है उसका आप जो स्थाई भाग है उसको एक बार आप पूरा गाएंगे, और फिर दोबारा पुनः स्थाई का जो मुखड़ा है उसको गाते हुए जब आप सम पर आते हैं तो सम पर आने के बाद आप पुनः उस पर आलाप शुरू कर सकते हैं, यानी उस राग की जो मैंने आपको आलापचारी बताई है उसको आप गाइए। कुछ कुछ परंपराओं में, कुछ कुछ घरानों में ये भी देखा गया है कि वे स्थाई और अंतरा एक साथ गाते हैं, यानी जब शुरुआत में जब बंदिश गा रहे होते हैं तो स्थाई भी गाते हैं और अंतरा भी एक के बाद एक गाते हैं, यानी स्थाई अंतरा एक साथ गाकर ख़त्म करते हैं और फिर वो आलापचारी पर आते हैं। तो ये डिफर करता है कहाँ से आपकी तालीम हो रही है, किस गुरु से हो रही है, या किसी घराने से हो रही है, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सिखा रहा है। तो जो तरीका है वो ये भी एक बिल्कुल परंपरागत तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्थाई अंतरा एक साथ गा के फिर उसके बाद आलापचारी करें, और चाहें तो आप पहले स्थाई गाने के बाद जो है आलाप शुरू करें। आलाप यानी जो जिस प्रकार मैंने आपको चार उसके जो फ्रेजेस बताए हैं आलाप के, उन फ्रेजेस को लेके आप आलाप करें, और आकार में करें या आप बोलों को ऐड करके करें, यानी उनको बोल आलाप कहा जाता है, उनको ऐड करके आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए। यदि पहला आलाप आपका षड्ज पर, मंद्र के स्वरों पर या बहुत अधिक हो गया तो थोड़ा सा आप गांधार तक, मध्य सप्तक के गांधार तक टच करके वापस षड्ज पर आए। तो इस प्रकार षड्ज पर आकर आपको जो है, मध्य सप्तक का जो षड्ज है उस पर आकर आपको न्यास करना है। तो इस प्रकार आपका आलाप शुरुआत होती है आलाप की, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, गांधार, मध्यम, फिर पंचम और फिर धैवत, फिर निशा तक धीरे धीरे आप आलाप करते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको चरणों में बताया है। अब ये आलाप करते करते हर बार आप जो है, जब आलाप करते हैं उसके बाद आप ताल का ध्यान रखिएगा, और उस ताल में आप जो है हर बार ये देखिए मुखड़ा कहाँ से उठना है और किस मात्रा से उठना है और कहाँ पर उसका सम है। पहली मात्रा पर, सम पर आपने एकदम मुखड़ा लेके बिल्कुल सम पर आना है, यानी तबले की पहली मात्रा, ताल की पहली मात्रा पर आपका जो सम का जो बोल है, जो अक्षर है, वो वहीं पर आना चाहिए। तब हम कहते हैं बिल्कुल ताल पर आप उस पर गा रहे हो। अदरवाइज़ हम ये कह सकते हैं आप बेताले आए, बेताला शब्द आप सुनते हैं ना, बेताला शब्द संगीत में क्या होता है, बेताला मतलब जब आप सम पर नहीं पहुँचते उससे, उसके या तो उसके बाद पहुँचते हैं या उससे पहले पहुँचते हैं, तो वो बेताला होता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जब कुछ कलाकार लोग गाते हैं जो बिल्कुल उस लेवल पे पहुँच जाते हैं तो वो पब्लिक परफॉर्मेंस के समय कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि जो तबले पर जो कलाकार होते हैं उनके साथ वे एक लयकारी करते हुए, या जिस प्रकार से दोनों का आपस में जो सामंजस्य होता है उसको दर्शाते हुए सम पर आते हैं, या उससे सम पर आने के एक मात्रा बाद सम दिखाएंगे या उससे एक मात्रा पहले दिखाएंगे, तो ये
जो लड़न्त और भिड़ंत की जो एक बात है, ये पब्लिक परफॉर्मेंस में ही अच्छी लगती है और वो उन उस लेवल के कलाकारों को उसको करना आता भी है और वो उसको बखूबी निभाते भी हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ताल पर या सम पर न आना जो है वो बेताला कहलाता है। तो कोशिश करिए कि आपकी ताल भी पक्की हो और आप अपने जो सम पर आने की जो प्रक्रिया है उसको सही तरीके से उसका पालन कर सकें। तो मैं बता रही थी कि आलाप किस प्रकार से आप लेते हैं। अब आलापचारी की ये जो प्रोसेस है, ये जब आपके तार सप्तक के षड्ज पर आती है, उस षड्ज पर आप थोड़ा सा टिकाव करने के बाद जो है आप अंतरे के बोलों को उठाएंगे, यानी अंतरे का जो मुखड़ा वो उठाएंगे और फिर से आप सम पर, अंतरे के ही सम पर आप रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अंतरे के भी आलाप होते हैं। अंतरे के आलाप तो आपके तार सप्तक में ही जाएंगे, अधिकतर अंतरा जो है वो तार सप्तक में ही होता है। तो उसके जो आलाप लेने के लिए जब हम तार सप्तक के षड्ज पर रुकेंगे, जब तक न्यास नहीं करेंगे, तो हमें आगे का रास्ता उतना क्लियर नहीं मिलता। यानी एक जब हम स्टार्ट कर रहे होते तो हमें एक तरह से एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, या हमें एक जगह चाहिए जहाँ हम अपने फिर से अपनी सांस को भर सकें पूरी तरह से। जैसे माँ पनी सा मैंने एक कोशिश करके आपको देखे कि साप में रुकी और उसका जब मैंने वो मुखड़ा उठा अंतरे का, उससे पहले मैंने इनहेल किया और आपको पता भी नहीं चला, लेकिन एक डीप ब्रेथ उस वक्त एकदम से ले सकते हैं और फिर आप जब अंतरा उठाएंगे तो बिल्कुल पुख्ता रूप से आपका जो है मुखड़ा वहां पर दमदार मुखड़ा जिसे कहा जाए वो सामने आएगा और आप अंतरे के आलापों को भी बहुत सुंदर तरीके से ले सकेंगे, कोई भी स्वर आपका ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो अंतरे के इस प्रकार से आलाप लेके हमें बार बार अंतरे का ही मुखड़ा उठाना है और जब हम तार सप्तक में विस्तार कर चुके होते हैं उसके बाद हम फिर पुनः अंतरे को पूरा गाने के बाद हम स्थाई के सम पर, स्थाई के मुखड़े को गाकर उसके सम पर पुनः आते हैं और इसके बाद शुरू होती है प्रक्रिया तानों की। ताने यानी जो मैंने पलटे आपको बताएं, उन्हीं को तानों के फॉर्म में आप जितनी रिक्वायर्ड हैं ताल में उसके हिसाब से आप जितनी मात्रा की तान चाहिए वो मात्रा की तान लीजिए, वहाँ पर फिट करिए और फिर मुखड़ा उठाइए। तो जब आप पलटों की प्रैक्टिस करेंगे, तान बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगी आपके लिए, तो आप तानों को बनाकर वहाँ पर उस जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप, सपोज़ आपको 32 मात्रा की तान चाहिए या 16 मात्रा की चाहिए, 8 मात्रा की चाहिए, आप जो है उतना ही लेंगे पोशन और वहाँ पर फिट करेंगे ताल के अनुसार और फिर आप पुनः मुखड़ा लेके सम पर आएंगे। तो ये यहाँ पर तानों की प्रक्रिया हो जाती है और उसके बाद जब तान आपके, आपको लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड, आपने इतनी ताने ले ली हैं, बहुत हैं, अब आपको दूसरा ताल शुरू करना चाहिए, तो आप उसके बाद सम पर आने के बाद अपना ठहराव दिखाते हैं और फिर आप जाते हैं द्रुत ख्याल की तरफ। द्रुत ख्याल में आप जो है बंदिश को शुरू करते, क्योंकि जब आप विलंबित के बाद एकदम से द्रुत ख्याल शुरू कर रहे हैं उसी राग के, तो आप कोई आलाप नहीं लेंगे, सीधे आप बंदिश शुरू करिए। बंदिश का स्थाई गाइए, अंतरा गाइए, क्योंकि द्रुत ख्याल की बंदिश तो छोटी होती है और क्योंकि लय फास्ट होती है कंपैरेटिवली विलंबित के, तो आप वहाँ पर पूरी बंदिश गाने के बाद फिर बार बार आप मुखड़ा जो है उसका उठाते हैं स्थाई का और सम पर आते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको उस मुखड़े को बना कर गाने में भी आपको आनंद आता। बना कर गाना मतलब थोड़ा सा उसमें वैरायटी वेरिएशन लेके आने, जिसको जिस जो कि राग के अनुकूल भी हो, राग के स्वरों को जो है उसी के हिसाब से चले। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हैं अपनी अपने को अच्छा लगने के लिए और राग से बेराग हो गया या वो सम पर नहीं आया या वो बेताला हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर स्थाई के मुखड़े को लेकर जब हम बार बार आते हैं उस पर, हम छोटी छोटी तानों से उसको सजा सकते हैं, फिर हम एकाद आलाप ले सकते हैं। लेकिन इस आलाप और विलंबित के आलाप में फ़र्क है,
क्योंकि ध्रुत ख्याल कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं गाया जाता। तो हम यहाँ पर जो आलाप लेंगे वो मंद्र से नहीं शुरू करेंगे, वो हम मध्य सप्तक से चाहें तो हम एक बार मगा के थोड़ा सा तार सप्तक में भी घूम कर आ जाएंगे। हमारा मेन मकसद है कि जो उसके शब्द हैं बंदिश के, उसकी खूबसूरती को या उसके भाव को अभिव्यक्त करते हुए छोटे छोटे आलाप लेना। बहुत बड़े आलाप हमें नहीं लेना, क्योंकि हम बड़े आलापों को अपने विलंबित ख्याल में बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि हमें बड़े आलाप जो इस प्रकार विस्तार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तीन बार आलाप लेकर फिर हम पुनः कुछ बड़ी तानों के साथ लेकर मुखड़े को लेते हैं और इस प्रकार हम गाते हैं और अंत में तिहाई लेके ध्रुत ख्याल को संपन्न करते हैं। तो ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया या एक प्रक्रिया बताई जिसमें कि आप किसी भी राग के परफॉर्मेंस के लिए या उसको जब उसको आप गाते हैं, यदि उसका विलंबित ख्याल और ध्रुत ख्याल दोनों आपको गाना है, तो इस प्रकार से उसकी विधि है गाने की। अब कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि विलंबित ख्याल तो कभी हमको बताया नहीं गया या किस प्रकार से हम तबले पे करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको किस प्रकार से विलंबित ख्याल गाया जाता है, क्या तबले के साथ के तालों का किस प्रकार से समन्वय होता है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ आपको राग के बारे में बता देना ही इनफ नहीं, राग का जब प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जब प्रैक्टिकली उसको आप परफॉर्म करते हैं, तो वो भी एक तरीका आना चाहिए कि किस प्रकार से उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो पुनः हम राग देश की तरफ चलते हैं। तो राग देश के लिए जैसे हमने आपको बताया, एक संक्षिप्त रूप में फिर से मैं उसको एक रिविजन के तौर पर बताती हूँ आपको कि राग देश जो है वो खमा स्टार्ट का राग है और इस राग को रात्रि के समय गाया जाता है। ये राग चंचल प्रकृति का है। इस राग में उपशास्त्रीय विधाएं जो हैं वो बहुत बखूबी गाई जाती हैं। इस राग में आपको गीत, भजन, गज़ल, इस तरह की चीज़ें बहुत सुंदर मिलती हैं। राग देश में विलंबित ख्याल भी ध्रुत ख्याल अक्सर सुनने को मिलते हैं और राग देश जो है वो बहुत ही खूबसूरत और मन को भाने वाला राग है। इस राग में कुछ स्वर संगतियां हैं जो रागवाचक है, जैसे कि इसके पूर्वांग और उत्तरांग, क्योंकि पूर्वांग वादी है, रे इसका वादी है और प इसका जो है वो संवादी है। तो पूर्वांग क्या चीज़ हुई, ये भी एक प्रश्न आएगा। पूर्वांग मतलब सा से, जो यदि हम एक सारे गामा पधनी सा इस स्केल को यदि हम दो भागों में बांट दें तो पहला होगा सारे गामा, दूसरा होगा पधनीसा। तो सारे गामा पूर्वांग भाग कहलाता है, पधनीसा उत्तरांग भाग कहलाता है। तो यदि वादी हमारा, हम कहते हैं कि पूर्वांग वादी, इसका मतलब वादी स्वर कहीं सा और म के बीच में स्थापित है, यानी सा और म में से ही कोई वादी स्वर है। और यदि हम कहते हैं कि उत्तरांग वादी, इसका मतलब प और तार सप्तक के सा के बीच में जो है कहीं पर वादी स्वर है। तो ये ध्यान में देना चाहिए। तो पूर्वांग में इसके सा, एक तो देखिए पूर्वांग में सा गनी सा, ये गनी सा रागवाचक है। रे मा प ध म ग रे ध म ग रे, ये भी रागवाचक है। म प नी सा, म प नी सा राग देश का ही रागवाचक। सा रे नी द प रागवाचक है। तो कुछ कुछ स्वर समुदाय हैं जिनको जोड़ने से जो है वो राग बहुत सुंदर तरीके से सामने आता है। और गांधार का जो है आरोह में सारे मा पनी सा, गांधार और धैवत पूरी तरह से वर्ज है। सारे नी द प ध म ग रे ग नी सा, तो ऋषभ का प्रयोग है लेकिन वो वक्र रूप में है और गांधार जो है उसका आरोह में पूरी तरह से प्रयोग है। तो राग जो है देश में इस प्रकार से राग देश की विशेषताएं हैं।
और ये जो स्वर समुदाय, इनको ध्यान आप जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको ध्यान में रहेंगे तो राग को गाने में आपको आसानी होगी, राग आप अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, एक और बात मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी कि राग देश में दोनों निषादों का प्रयोग होता है। शुद्ध निषाद जो है वो आरोह में है और कोमल निषाद जो है वो अवरोह में है। म प नि सा तो चढ़ी भी नहीं है, सारे नीदा परे नी नी, फर्क है दोनों में। म प नि रे नी, अवरोह में कोमल नी और आरोह में शुद्ध नी। एक और बात मैंने आपसे कही थी जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो है गांधार का प्रयोग, कोमल गांधार का प्रयोग। तो इसके इस राग में कुछ कुछ विद्वान जो हैं वो जब तार सप्तक में विस्तार करते हैं तो दोनों शुद्ध ऋषभ के बीच में कोमल गांधार का कहीं पर प्रयोग करते हैं। कैसे? म प नि सा रे ग रे सा रे नी द प रे ग रे सा रे नी द प, तो थोड़ा सा एक भ्रम होता है कि रे ग रे सा तो जयजयवंती का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राग देश की खूबसूरती को बनाने के लिए कभी कभी कोमल गांधार का प्रयोग होता है। हालांकि जयजयवंती देखिए बिल्कुल अलग है, स रे ग म प म ग रे ग रे सा नी सा द नी रे, तो ये आ गई, यहाँ तो जयजयवंती आएगी, स रे ग म प म ग रे ग रे सा नी सा द नी रे, चाहे वो रे ग रे सा, ये फ्रेज जो है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश में उसका अलग तरह से प्रयोग हो रहा, बहुत थोड़ी देर के लिए हो रहा। म प नि सा रे ग रे सा रे नी द प रे नी द प, ये एकदम उसको ढक देता है ऊपर से, ताकि वो जयजयवंती न लगे, वो राग देश ही रहे। तो यहाँ पर आप भ्रमित मत होइएगा कि जहाँ पर कहीं कहीं किसी बंदिश में आपको कोमल गांधार मिलता है तो आप कहेंगे कि कोमल गांधार तो आपने कभी बताया नहीं था इसमें, और इसमें कोमल गांधार तो ये देश कैसे हुआ। तो कुछ परंपरागत बंदिशों में जो है कोमल गांधार का प्रयोग मिला है, और ये हमें क्रमिक पुस्तक मालिका में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। तो मुझे लगता है राग देश जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक फिल्मी गीतों का है या भजनों का है या फोक म्यूज़िक है, सभी में राग देश जो है वो काफ़ी प्रचलित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और गगन मैम का और शिवांगी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने हमारे लिए एक एंड में रिवीजन किया, मेरे हिसाब से वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक रिवीजन, और आपने काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बताई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो मैम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त देंगे, नमस्कार।